हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 10 डी सॉल्यूशन का पार्ट 6 वीडियो बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के पार्ट 5 तक के वीडियो में बता दिए हैं, और पार्ट 6 में हम क्वेश्चन नंबर 41 से बाकी सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, क्या 41 नंबर क्वेश्चन कि अगर y बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स के पावर 3/2 हो तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 41 से बाकी सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए हमें दो फॉर्मूला को याद रखना है। वो फॉर्मूला है अगर टेन इनवर्स एक्स रहे प्लस में टेन इनवर्स वाई रहे तो हम वहां लिखेंगे टेन इनवर्स प्लस रहेगा तो दोनों एलिमेंट को जोड़ेंगे बट्टे में माइनस करके दोनों एलिमेंट को गुणा कर देंगे। अगर वही रहेगा मेरा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई तो वहां लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टे में वन प्लस दोनों एलिमेंट को गुना, यानी कि दोनों एलिमेंट को घटाएंगे और बट्टे में वन प्लस करके दोनों एलिमेंट का गुना कर देंगे, और अगर प्लस में रहेगा तो दोनों एलिमेंट को जोड़ देंगे और नीचे घटाकर गुना कर देंगे। तो इसी दो फॉर्मूला को हम फॉलो करेंगे और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो मेरा 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स के पावर 3/2 है। तो अब देखो कि अगर इसको हम देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्यूशन करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स बट्टे में वन प्लस रूट एक्स इंटू एक्स, क्योंकि माइनस है यानी कि ये फॉर्मूला है माइनस बट्टे में दोनों एलिमेंट का गुना। अगर देखो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और अब देखो एक रूट एक्स का पावर कितना होता है 1/2 होता है और एक्स का पावर 1 होता है। जब बेस समान है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर जोड़ेंगे तो ये मेरा कितना है, इसका एलसीएम लेंगे तो 3/2, यानी कि इसी को इस तरह में लिखा है। तो जब इतना लिखा हुआ है तो हम इसको किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे हम टेन इनवर्स एक्स के जगह पर रूट एक्स है, बीच में माइनस के चिन्ह है, टेन इनवर्स एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डीसी कर लेंगे। तो इसका डीसी क्या होगा मेरा dy/dx लिखेंगे, तो टेन इनवर्स का डीसी क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या है रूट एक्स का स्क्वायर। इनवर्स जो 6 फंडामेंटल अगर उनको इनवर्स में देखें तो उनका 6 का वैल्यू ज्ञात है पहले से ही। तो टेन इनवर्स का डीसी क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या है रूट एक्स है, और रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2√x होता है, बीच में माइनस का चिन्ह है, और इसका डीसी क्या होगा टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम और सोल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा मेरा फाइनली, इसको हम गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 1/2√x, ब्रैकेट में कर देंगे 1 प्लस, अगर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बाहर आ जाएगा ये, और माइनस को आ जाएगा 1/1/1 + x का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 42 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि अगर वाई बराबर टेन इनवर्स रूट ए प्लस रूट एक्स रहे और बटे में वन माइनस रूट अंडर वन ए इंटू एक्स रहे। अब देखो यही फॉर्मूला है बट क्या है बीच में प्लस लगा हुआ है तो हम इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहां मेरा हो जाएगा इसका टेन इनवर्स रूट ए, ऊपर में प्लस है तो प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। अब देखो कि रूट ए का मतलब एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका हम डीसी नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट जीरो लिख देंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डीसी जीरो होता है। अब इसका डीसी करेंगे तो देखो कि यही यहाँ तो मेरा 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी रूट एक्स है। तो टेन इनवर्स का डीसी क्या होता है 1/1 + x का होल स्क्वायर इंटू में रूट एक्स का डीसी। तो रूट एक्स का डीसी क्या होता है मेरा, तो मेरा रूट एक्स का डीसी होता है, इसका डीसी क्या हो जाएगा 1/x इंटू में रूट एक्स का डीसी 1/2√x होता है। इसको अगर गुना करें तो मेरा क्या आ जाएगा
वन अपॉन टू रूट एक्स ब्रैकेट में वन प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, सिर्फ इसमें क्या किया है, फॉर्मूला को आधा लिखा हुआ है, हमको उसको पूरा करना है, फिर क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, तो फ्रेंड्स देखो मेरा 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि y बराबर टेन इनवर्स 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 6x है। तो अगर इसको देखें तो 3 माइनस 2x है, ये दोनों एलिमेंट को घटाना है और दोनों एलिमेंट का गुणा करेंगे तो 6x आ जा रहा है, यानी कि मेरा फॉर्मेट सही है। तो मैं लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखो बीच में माइनस है, तुम क्या लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, टेन इनवर्स 3 माइनस में क्या आ जाएगा मेरा, टेन इनवर्स 2x हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 3 है तो 3, अगर ये दोनों को गुणा करते तो 6x आ जा रहा है, यानी कि मेरा सही है। तो अब देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो थोड़ा सा, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो कि 3 है यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म में, इसके साथ x नहीं लगा हुआ है, तो इसका डी सी क्या जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, और माइनस का चेंज देंगे, 10 इनवर्स का डी सी क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर इंटू में 2x का डी सी 2 होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनली 2 अपॉन, इसको गुणा कर देंगे तो 2, माइनस का चेंज माइनस रहेगा, और 1 प्लस क्या जाएगा मेरा 4x का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो अब देखो मेरा 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि वही क्वेश्चन है, y बराबर है 10 इनवर्स 5x बटे 1 माइनस 6x का होल स्क्वायर। तो अब देखो ये थोड़ा सा ऊपर दो टर्म नहीं है और नीचे में भी उसी तरह से है, तो हम क्या करेंगे इसको ना, इसको और सॉल्यूशन करेंगे, छोटा करेंगे और देखेंगे मेरा टर्म है कि नहीं सही। तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x माइनस 2x बट्टे में 1 माइनस 6x का होल स्क्वायर, नहीं प्लस लिखेंगे क्योंकि हमको 6 लाना है। अब देखो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, 3 दो 5x हो जा रहा है यानी कि सही है, और अगर दोनों को गुना करता हूँ तो मेरा नीचे वाला आ जा रहा है, यानी कि 3 गुना के 6x का स्क्वायर आ जा रहा है। तो ये मेरा फॉर्मेट सही है, जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए और गुना करेंगे तो नीचे वाला बराबर आना चाहिए। तो अगर जोड़ रहे हैं तो 3 × 5 आ जा रहा है और 3 × 2 = 6 आ जा रहा है, तो मेरा सही है फॉर्मेट। तो अब ऊपर में प्लस है तो मेरा क्या लगेगा फॉर्मूला, प्लस का लगेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ टेन इनवर्स 3x लिखेंगे, प्लस का चिन्ह 10 इनवर्स 2x लिखेंगे। अब इसका क्या करें, हम डी सी करेंगे, तो 10 इनवर्स का डी सी क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में 3x का डी सी 3, प्लस का चिन्ह इसका क्या होगा 2x का 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या होगा 2x का डी सी 2 हो जाएगा। अब इसको हम आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको गुना कर देंगे 3 अपॉन 1 प्लस 9x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह देंगे 2 अपॉन 2 से गुना 1 में 2, और नीचे क्या जाएगा मेरा 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, 45 नंबर पर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि y बराबर 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 15x का होल स्क्वायर, 15x का होल स्क्वायर है। तो अब देखो हमको ऊपर में एक टर्म है, नीचे में भी उसी तरह से, जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था 44 नंबर में, तो हम क्या करेंगे इसको ना सॉल्यूशन, y बराबर हम क्या करेंगे 10 इनवर्स, अब हमको क्या करना है 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे 5x माइनस 3x बट्टे में 1 प्लस 15x का होल स्क्वायर। अब देखो अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, और 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15x स्क्वायर आ जाएगा, xx का होल स्क्वायर 15, तो ये मेरा फॉर्मेट सही है। हम उसको इस रूप में लिखेंगे कि जिस रूप में मेरा फॉर्मेट सही के रूप में हो जाए, तो मेरा सही फॉर्मेट है, और ऊपर में माइनस है तो क्या लगेगा 10 इनवर्स 5x माइनस का क्या हो जाएगा मेरा 10 इनवर्स 3x हो जाएगा। अब देखो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी कि 5x का होल स्क्वायर इंटू में 5x का डीसी 5, माइनस का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा मेरा 3, इसको अगर गुना करें तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा ऊपर में 1 प्लस
25 एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का जाएगा ऊपर 3 अपॉन 1 प्लस 9 एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, 46 नंबर पर। तो देखो 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ यदि y बराबर टेन इनवर्स x माइनस बी है और बट्टे में 1 ये प्लस बी एक्स है तो प्रूव्ड यानी कि साबित करें dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो क्वेश्चन क्या है हिंदी में बोले तो, यदि टेन इनवर्स बराबर इतना लिखा हुआ है तो उसको साबित करें dy अपॉन dx बराबर इतना यानी कि उनको बराबर LHS बराबर RHS करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। y बराबर ये है मेरा लिखा हुआ tan इनवर्स ax माइनस बी अपॉन में a प्लस बी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको सब में हम a से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय a, हम सब में a से डिवाइड कर देंगे। तो अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, अगर a बटे a इंटू एक्स में a से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, x आ जाएगा। चलो लिख ही देता हूँ, नहीं छोड़ो, अगर ax बटे a लिखेंगे, ax बटे a तो a से 1 कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा x, और इसको में क्या आ जाएगा b बटे a आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा a 1 हो जाएगा। अगर इसको a से डिवाइड करेंगे तो 1 और माइनस प्लस क्या आ जाएगा बी एक्स अपॉन में आ जाएगा मेरा a आ जाएगा ना। तो अब देखो ये दोनों, ये मेरा फॉर्मूला पर सेट हो गया। जैसे कि देखो ऊपर में एक टर्म x है, एक b अपॉन x है, तो यहाँ देखो b अपॉन x इंटू एक्स यानी कि दोनों एलिमेंट को घटा रहे हैं, यहाँ गुना कर रहे हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला पर सेट हो गया, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स b अपॉन a हो जाएगा। तो अब देखो b अपॉन a क्या है, मेरा पूरा कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसका डीसी 0, ये खत्म हो गया। और इसका डीसी करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो मेरा फाइनली आ जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, 47 नंबर पर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखो मेरा 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ वाई बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और प्लस में sec इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सो दैट साबित करें dy अपॉन dx बराबर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिसको सॉल्यूशन करना है, यदि y बराबर इतना है और इतना है प्लस में, तुमको साबित करना है dy अपॉन dx बराबर। तो हम क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन लिखेंगे और हम क्या करेंगे, हम यहाँ मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, हम x बराबर tan थीटा मानेंगे तो थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम x बराबर tan थीटा का मान यहाँ 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 पुट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ, अब देखो अगर देखे तो मेरा यहाँ क्या बन जाता है, y बराबर मेरा बन जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan का थीटा बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा मेरा sec इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा मेरा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको अब देखो मेरा कुछ फार्मूला बन रही है, जो दोनों है मेरा एक फार्मूला का रूप हो गया। वो कौन सा फार्मूला बन गया, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मेरा साइन थीटा का फार्मूला होता है, किसका, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, प्लस में सेक इनवर्स है मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है मेरा सेक ऑफ 2 थीटा का, सेक 2 थीटा। तो सेक से सेक इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, वाई बराबर मेरा क्या बच गया 2 थीटा प्लस का 2 थीटा, तो मेरा क्या हो गया 4 थीटा। थीटा का वैल्यू क्या था मेरा टेन इनवर्स एक्स था, तो हम पुट कर देंगे वाई बराबर 4 टेन इनवर्स एक्स। अब हम इसका क्या करेंगे, डी सी निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और 4 को बाहर निकालेंगे, टेन इनवर्स का डीसी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसको गुना करें तो क्या आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 और नीचे जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो गाइस देखो मेरा यहाँ बराबर आ गया कि नहीं, 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो मेरा बराबर आ गया, हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया कि बराबर आया कि नहीं, लेकिन वहाँ बराबर आ गया है, आप देख लेना। तो ये मेरा बराबर आ गया, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर,
48 नंबर क्वेश्चन पर, ये मेरा कितना नंबर था 47, 47 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा। तो फ्रेंड्स देखो मेरा 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर कि इफ वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन है, प्लस में साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस वन है, तो सो दैट साबित करना है मेरे को जीरो के बराबर इसको साबित करना है, यानी कि ये दोनों को सोल्यूशन करके हमको जीरो के बराबर लाना है। चलिए सोल्यूशन करते हैं, सोल्व क्या है मेरा, वाई बराबर है सेक इनवर्स है एक्स प्लस वन है, बटे में क्या है एक्स माइनस वन है, प्लस में क्या है मेरा साइन इनवर्स है एक्स माइनस वन, बटे में क्या है एक्स प्लस वन। इसको क्या करेंगे हम क्या करेंगे ना, जो सेक इनवर्स है, जो सेक इनवर्स है इसको बदल देंगे कोस में, तो मेरा एक फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे उसको कोस में बदलेंगे, कोस इनवर्स में बदलेंगे, लेकिन क्या होगा ये जो एलिमेंट है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि x प्लस वन था जो नीचे चला जाएगा और x माइनस वन था वो ऊपर चला जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा x माइनस वन बटे में x प्लस वन इतना हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स x माइनस वन बटे x प्लस वन। अब देखो ये दोनों समान हो गया, तो अब देखो ये फॉर्मूला होता है जो हमने जब हमने ITF का सोल्यूशन स्टार्ट किया था, ITF फंक्शन का, उसमें हमने जब इसका पहला एक्सरसाइज फर्स्ट वीडियो बताया था उसमें हमने बताया था ITF में कि अगर मेरा यहाँ साइन इनवर्स एक्स रहे प्लस में कोस इनवर्स एक्स रहे तो उसका वैल्यू पाई बाई टू हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसी फार्मूला को हम यहाँ पुट करेंगे। देखो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों समान है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा पाई बाई टू हो जाएगा। अब एक्स की जगह पर कुछ भी रहे उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरा क्या हो जाएगा वैल्यू यहाँ पाई बाई टू हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ वाई बराबर पाई बाई टू हो जाएगा। अब इसका अगर डीसी करें तो पाई बाई टू का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब ये कॉन्स्टेंट टर्म है। अगर डीवाई अपॉन डीएक्स इसका डीसी करें तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसका डीसी मेरा क्या हो जाएगा जीरो। तो देखो मेरे को लाना भी वही था, जीरो लाना था और ये भी जीरो गया, तो इसलिए मेरा ये क्या है ये आंसर सेम है और आंसर भी राइट है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन यानी 49 नंबर पर, वो क्वेश्चन क्या है। तो गाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही आसान ये भी चैप्टर बहुत ही आसान था, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ वाई बराबर साइन ब्रैकेट में 2 टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो सो दैट साबित करें माइनस का एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि इतना को हमको साबित करके इतना लाना है माइनस में। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन करेंगे और इसको सॉल्यूशन में हम कुछ मानेंगे, क्या मानेंगे हम यहाँ एक्स बराबर क्या माने कोस थीटा मान लेते हैं, एक्स बराबर क्या मानेंगे कोस थीटा मान लेंगे, तो थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और हम एक्स की जगह पर इस एक्स की जगह पर इसको हम पुट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, ये मेरा साइन रह जाएगा, इनवर्स नहीं है सिर्फ साइन है, 2 टेन इनवर्स हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा है और बटे में क्या मेरा 1 प्लस कोस थीटा। तो अब देखो ये फार्मूला का रूप हो गया, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा दोनों फार्मूला है, तो हम लिखेंगे इसको किस रूप में लिखेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा वाई बराबर साइन इन टू 2 टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा होता है मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब नीचे ये ब्रैकेट के अंदर जो दो दो बार है तो रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा एक बार हो जाएगा, मेरा साइन इन टू 2 टेन इनवर्स और ब्रैकेट में आ जाएगा तो बाहर आएगा साइन थीटा बाई 2 और हो जाएगा मेरा कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि रूट अंडर से बाहर आएगा तो एक एक बचेगा। और अब देखो यहां फिर से फॉर्मूला का रूप हो गया, 2 टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है मेरा टेन थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 टेन से टेन कैंसिल, तो मेरा क्या बच गया साइन 2 इंटू ये 2 इंटू थीटा बाई 2, अब 2 से 2 कट गया ये थीटा बाई 2
तो मेरा क्या बच गया, साइन बच गया थीटा। अब देखो थीटा की जगह पर हमने क्या माना था, कॉस इनवर्स एक्स माना था, और हमको लाना है इतना लाना है, तो हम इसको पुट करेंगे। तो पुट करेंगे वाई बराबर साइन कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स पुट करेंगे। तो अब देखो अगर इसका डीसी करें तो हम डीसी डायरेक्ट कर देते हैं, इसको लिखते नहीं है। तो साइन का डीसी क्या होता है मेरा, साइन का डीसी कोस होता है और इनटू में क्या एक्स के रूप में कोस इनवर्स एक्स है, इनटू में साइन का डीसी करेंगे तो किसका, कोस का डीसी, कोस इनवर्स का। तो कोस इनवर्स का डीसी होता है मेरा माइनस का वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, मेरा यहाँ क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ एक्स बच गया, यहाँ मेरा क्या बच गया, एक्स बच गया। तो एक्स से गुना माइनस में करेंगे माइनस एक्स में, तो माइनस एक्स हो जाएगा और बट्टे में क्या वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये वाला यहाँ। तो फ्रेंड्स यही मेरा है क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर। अब देखो क्या है मेरा, माइनस का एक्स अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ भी देखो माइनस का एक्स अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये मेरा क्वेश्चन क्या है, राइट है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फ्रेंड्स देखो मेरा 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ वाई बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स बटे रूट अंडर वन माइनस वन प्लस एक्स, और ऊपर में माइनस के साथ है रूट अंडर वन माइनस एक्स बटे में प्लस के साथ है रूट अंडर वन प्लस एक्स, सॉरी वन माइनस एक्स, जिसको साबित करना है हमको वन बटे रूट अंडर टू रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करने के लिए लेट मानेंगे हम एक्स बराबर क्या मानेंगे, कोस टू थीटा मानेंगे। अगर कोस टू थीटा मानते तो देखो मेरा फॉर्मूला यहाँ सेट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कोस टू थीटा मानेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा और वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा। तो हम इसको वैल्यू कोस टू थीटा यहाँ 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 पुट करते हैं, तो मेरा क्या आता है वो देखो, टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस कोस टू थीटा हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस कोस टू थीटा हो जाएगा, और इसको ऐसे करते हैं माइनस के साथ रूट अंडर वन माइनस कोस टू थीटा प्लस के साथ वन प्लस कोस टू थीटा लिखते हैं। तो अब देखो ये फॉर्मूला ही फॉर्मूला सिर्फ बन गया, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ टेन वर्स। फ्रेंड्स जब हमने एक्सरसाइज 10D सॉल्यूशन कर रहा था, तो उसके फर्स्ट वीडियो जो था पार्ट वन, उसमें हमने सारा फॉर्मूला बताया था, जो भी फॉर्मूला है मेरा यूज हो रहा है वो सारा फॉर्मूला वहाँ बताया हुआ है, आप जाकर से देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पार्ट वन का। तो अब देखो वन प्लस कॉस टू थीटा मेरा किसका फॉर्मूला होता है, तो वन प्लस कॉस थीटा मेरा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा का, और बटे में क्या होगा ये भी वही हो जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा का माइनस का वन माइनस कोस टू थीटा, यहाँ माइनस है वन माइनस कोस टू थीटा फॉर्मूला होता है मेरा टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू साइन स्क्वायर थीटा का, और यहाँ भी क्या होगा माइनस, ये भी क्या मेरा प्लस के साथ है, प्लस के साथ टू साइन स्क्वायर थीटा का। अब देखो यहाँ क्या होगा मेरा, अब ये सब दो दो बार है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक बार हो जाएगा। तो यहां मैं क्या करता हूं टेन इनवर्स इस दोनों में से रूट टू को बाहर निकाल लेता हूं, और यहां से भी मैं रूट टू को बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि दोनों में रूट टू है, इसको भी दो रूट टू है, तो रूट टू को बाहर निकाल लेता हूं। और देखो यहां रूट अंडर फिर कॉस स्क्वायर बचा, तो बाहर आएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा, और ये क्या बचेगा मेरा दो बार है तो बाहर आएगा तो साइन थीटा, क्योंकि रूट से बाहर आएगा तो एक एक घट जाता है, और यहां भी मेरा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, ये से ये कैंसिल। तो जब भी इस तरह से आता है तो हम उसको किससे डिवाइड करते हैं, ये भी बताया हुआ है मेरा, उसको हम डिवाइडिंग बाई किससे डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, किससे डिवाइड करेंगे भाई कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। तो हम कॉस थीटा से अगर डिवाइड करें तो मेरा क्या आता है यहाँ
टेन इनवर्स, अगर कॉस को कॉस डिवाइड करें तो वन, और कॉस साइन को कॉस डिवाइड करें तो साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा मेरा टेन थीटा, बट्टे में उसी तरह से वन प्लस में क्या हो जाएगा मेरा टेन थीटा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। जब इस तरह से हो जाएगा तो ये मेरा किसका फॉर्मूला होता है, ये मेरा किसका फॉर्मूला होता है, y बराबर टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, वन को पाई बाई फोर लिख सकते हैं क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान वन होता है और वन को 45 डिग्री को रेडियन में पाई बाई फोर लिखते हैं, और माइनस का थीटा, दोनों में से पाई, दोनों में से टेन को बाहर निकाल लिए और वन का मान पाई बाई फोर और थीटा का थीटा, तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया मेरा वाई बराबर पाई बाई फोर माइनस थीटा। अब देखो थीटा का जब हमने क्या माना था, पाई बाई फोर माइनस वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री, यहां भी देखो यहां भी आसान हो गया, इसका डीसी करेंगे पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री का डीसी जीरो होता है और वन अपॉन टू को बाहर निकाल लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का डीसी होता है माइनस का वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वन से गुना वन में तो वन और टू से गुना रूट वाला में करेंगे तो टू रूट अंडर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें भी हमको बराबर नहीं लाना था, क्या करना था, बराबर ही लाना था, तो वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर, वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये मेरा क्वेश्चन क्या है सही है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, और इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पर, तो चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x प्लस 1, 2 के पावर में है x प्लस 1, याद रखना इसके पावर में है x प्लस 1, बट्टे में 1 प्लस 4x है, 1 प्लस क्या मेरा 4x है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, y बराबर हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स, और इसको हम क्या करें अलग कर देंगे 2 के पावर x इनटू, और इनटू क्या करेंगे 2, 2 के पावर 1, अगर दोनों बेस समान है तो पावर क्या जुटेगा तो 2 के पावर x प्लस 1 हो जाएगा, उसको हमने तोड़ के रूप में लिख दिया, और बच्चे में क्या, इसको नीचे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 के पावर 2 और x लिख सकते हैं क्योंकि 2 गुना 4 x हो जाएगा, तो उसको हमने इस रूप में लिख दिया। और अब हम क्या करें इसमें लेट मान लेंगे 2 के पावर x बराबर क्या मानेंगे टेन थीटा मान लेंगे, 2 के पावर x बराबर क्या मानेंगे टेन थीटा, तो थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2 के पावर x हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, अब देखो साइन इनवर्स 2 ये रहेगा 2 और इसके जगह पर क्या मान माना था टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस इसके जगह पर लिखेंगे 10 और स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 के पावर x था तो 2 के पावर x टेन थीटा और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला किसका होता है मेरा साइन 2 थीटा का, किसका साइन 2 थीटा का, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, मेरे पास क्या बच गया 2 थीटा, थीटा का जब क्या माना था टेन इनवर्स 2x, वाई बराबर क्या है मेरा टेन इनवर्स 2 के पावर x है। अब हम इसका क्या करेंगे डीसी करेंगे, तो अगर डीवाई अपॉन डी एक्स करें तो टेन इनवर्स का डीसी क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस 2 के पावर x का होल स्क्वायर इंटू में 2 के पावर x का डीसी 2 के पावर x, ये हो जाएगा मेरा। तो अब इसको क्या करेंगे हम डीवाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा और 2 थीटा था तो 2 थीटा यहां भी रहेगा 2 थीटा यहां भी रहेगा, तो अब देखो यहां क्या हो जाएगा मेरा, अब देखो 2 के पावर 1 हो सकता है और इंटू में 2 के पावर 1 x है, यानी कि यहां भी इसी रूल क्या हो गया, इसको हमने तोड़ा था, तो हम क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ देंगे, तो मेरा हो सकता है 2x के प्लस 1, उसको भी हमने वहां तोड़ दिया था और यहां क्या हो जाएगा मेरा 2 4x, तो ये मेरा हो गया इसका फाइनली राइट आंसर। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 6 पार्ट में एक्सरसाइज 10D को समाप्त किया और बहुत ही छोटा छोटा पार्ट बनाया 10-10 मिनट और 20-20 मिनट के, क्योंकि
वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमने छोटा छोटा क्वेश्चन, बहुत कम कम क्वेश्चन का सोल्यूशन किया, 10-10 क्वेश्चन और 5-5 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया, तो उसको हमने 6 पार्ट में कम्प्लीट किया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक्सरसाइज 10D। तो फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही मिनिमम तरीके से और बहुत ही सिंपली भाषा में आपको समझाया है और आपको बताया है। तो आई होप इस वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें डिफ्रेंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 10 जल्द ही लानेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना और डिसलाइक करने का कारण भी लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।